हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और मैं आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं। जैसे कि हम मेरे पीछे देख रहे हैं, वीवो V15 प्रो का ये एक लेटेस्ट हैंडसेट है और आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं स्मार्ट पीए के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, स्मार्ट पीए आईसी में क्या क्या सप्लाई चाहिए और स्मार्ट पीए होता क्या है, ये आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी एक नया वीडियो अपलोड होगा, इमीडिएटली आपके पास उसकी घंटी की साउंड के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हैं, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे पीछे है वीवो V15 प्रो का एक, मैंने यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन का यहाँ पे एक आपको पीसीबी ओपन किया है और इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट पीए होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मार्ट पीए होता क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, काफी सारे हैंडसेट में आप देखे होंगे ऑडियो के लिए एक आईसी दिया जाता है जिसको हम क्वालकॉम में WCD के नाम से जानते हैं, जिसको हम वायरलेस कोडेक कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑडियो आईसी से तो जो सप्लाई होती है रिसीवर पे जाएगी, आपके माइक पे जाएगी, आपके हेडफोन जैक में जाएगी, तो यहां से ऑडियो आईसी से निकल के रिंगर की पीए, जो रिंगर आईसी होती है जिसको हम रिंगर पीए कहते हैं, जिसको हम प्री एम्पलीफायर भी कहते हैं या फिर पावर एम्पलीफायर भी बोलते हैं, तो ऑडियो से सप्लाई निकल करके रिंगर आईसी में जाया करती थी और रिंगर आईसी से होकर के वो नीचे रिंगर के जो टिप्स होते हैं, जहां पे हम रिंगर लगाते हैं, जहां पे हमारी कॉल की म्यूजिक की आवाज हमको सुनाई देती है, जब हम स्पीकर पर डालते हैं तो वहां से हम सुनते हैं, या फिर जब कॉल आपके मोबाइल में आता है, जब आपके मोबाइल में हम गाना प्ले करते हैं, जो आवाज हमें बूस्ट होकर मिलती है वो हमारा रिंगर आईसी नीचे रिंगर होता है, तो वहां तक वो सप्लाई आती है ऑडियो आईसी से। लेकिन फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है, जो रिंगर पीए है उसको हटा करके लेटेस्ट में यूज किया जा रहा है स्मार्ट पीए। अगर आप लिखेंगे 4G और 5G हैंडसेट्स में अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट पीए को यूज किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्शन होता है, इसका ऑडियो आईसी के साथ कोई लेना देना है नहीं। तो ये एक नया सर्किट, हालांकि काफी टाइम हो चुका है, हम स्टूडेंट्स को काफी टाइम से ये चीज पढ़ा रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के स्मार्ट पीए आते हैं जो कि हम आपको क्लास में लाइव बताते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि आईसी को रिक्वायरमेंट क्या क्या है और वो किसके साथ कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स हम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीवो का V15 प्रो हैंडसेट है, इसका जो ऑडियो एसी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका ऑडियो एसी आप देख रहे हैं और ऑडियो से जो कनेक्टेड है ऊपर के रिसीवर के लिए, आपके जो ईयर रिसीवर जिसे हम कहते हैं उसकी सारी कनेक्शन इसी के साथ होती है। इसके अलावा जो हेडफोन होता है, हेडफोन में आपको डिटेक्शन पिन और आपकी माइक की जो सप्लाई होती है इसी आईसी के साथ जुड़ के होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें, तो ये देख सकते हैं माइक बायस जो कि नीचे हमारा मेन माइक होता है उसकी भी सप्लाई इसके साथ जुड़ के होती है। और इसको जो कनेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं HPH, ये सीधा हेडफोन का पीछे लेफ्ट और राइट के भी इसी के साथ जुड़ के होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑडियो आईसी की तो सप्लाई आपने यहाँ पे देख ली, बट हमको देखना है स्मार्ट पीए कहाँ पे। तो स्मार्ट पीए की अगर बात बताऊं बट फ्रेंड्स मैं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू के जस्ट बाजू में, अगर आप सीपीयू के बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्मार्ट पीए है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 से 7 टोटल आपको 49 बॉल का ये एक आईसी आपको दिखेगा जो कि हमारा स्मार्ट पीए है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी सप्लाया इसमें इन हो रही है और तो सिर्फ दो सप्लाई यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पीकर +1, स्पीकर -1, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस आप कह सकते हैं, ये दोनों आपके जाते हैं कनेक्टर पे, देख सकते हैं यहाँ पे आपका कनेक्टर होगा जो कि आपकी सप्लाई नीचे आपके नीचे एक इससे बेंड से होते हुए नीचे टिप्स पे जाती है जहां पे हमारा रिंगर लगता है। ये तो हो गए फ्रेंड्स आउटपुट। लेकिन इस आईसी को अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी सप्लाइयां सबसे पहले इन होनी पड़ेगी, पहले इसको इनपुट में देना होगा, तब जाके ये रिंगर के लिए अपनी सप्लाई आउट करेगी, वहां से जो वोल्टेज होना है वो आउट होगा और वहीं से आपको रिंगर का जो डाटा है जो स्मार्ट पीए से आपको नीचे रिंगर तक पहुंचता है, जहां से आपकी आवाज बूस्ट होकर के आपकी आवाज जोर से सुनाई देती है। फ्रेंड्स, इस आईसी में सबसे पहले अगर हमको चाहिए तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा,
तो सबसे पहले एक आईसी को वीपीएस सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसको वीपीएस मिल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी स्विचिंग के लिए लाइन जाती है यहाँ पे इस साइड में। तो ये हमारा आता है चार्जिंग आईसी से, डीसी टू डीसी से भी आप कह सकते हैं, वीपीएस पावर। यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 वोल्ट चेक कर रहा है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 वोल्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको एक वोल्टेज चाहिए जो कि वीपीएस चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें ग्राउंड पिन्स होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी पिने जो है खाली है इसमें, तो इसमें काफी सारे ग्राउंड पिन्स होते हैं, कुछ एनसी पिन्स होते हैं, जो कि मैं आपको इसका डाटा शीट खोल के क्लास के अंदर स्कीमेटिक के थ्रू डायग्राम के थ्रू सारी चीज बताता हूं कि एक एक बॉल के अंदर क्या सप्लाई आती है, वोल्टेज कब आता है, जीआर कितना आना चाहिए, सारी चीज मैं आपको क्लास में सिखाता हूं। यहां पे फ्रेंड्स एक तो हो गया ये वोल्टेज, इसके अलावा दूसरा जो वोल्टेज चाहिए फ्रेंड्स वीआईओ का वोल्टेज, जो कि यहां से आ रहा है पावर एसी से। यहां पे देख सकते हैं वीआरईजी वोल्टेज रेगुलेटेड, जो कि आपका एलडीओ 10 से आउट होता है, ये पावर एसी से आती है सप्लाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे हैं जो के, और ये जो होता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मिलेगा आपको इस कैपेसिटर के बाद, देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए। ये दो तो हो गए वोल्टेज इनपुट। इसके अलावा फ्रेंड्स अब इस आईसी को सीपीयू से सिग्नल आने चाहिए, जो कि हमारे I2S सिग्नल होते हैं, इंटर इंटीग्रेटेड साउंड सिग्नल जिसे हम कहते हैं, जो कि नॉर्मल अगर आप देखेंगे नॉर्मल रिंगर पीए में 2 ऑडियो से सिग्नल आते हैं, एक प्लस और माइनस का सिग्नल होता है, जिसको हम अगर आप देखोगे कोई भी रिंगर आईसी में देखोगे तो 2 सिग्नल आते हैं, लेकिन इस वाली आईसी में 2 ना आकर के इसमें आपको देखने मिलेंगे 4 सिग्नल। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 सिग्नल मिलेंगे, जिसको मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले ये देख सकते हैं स्पीकर के लिए 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 सिग्नल। एक हो गया स्पीकर I2S WS, जो कि यहां से इस नंबर आईसी में 3, 3, 6, 7 नंबर बॉल में आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे आप बीसी के, ये देख सकते हैं यहाँ से ये टोटल 4 सिग्नल होते हैं जो कि सीपीयू से आते हैं। अगर आप लेटेस्ट पावर लेटेस्ट ऑडियो में देखोगे, एक तो हो गई ये लाइन, दूसरी हो गई ये लाइन हमारी I2S डाटा इन की लाइन, स्पीकर इंटर इंटीग्रेटेड साउंड सिग्नल डाटा आउट, टोटल 4 बॉल यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे भी कनेक्शन है इसका, तो 1, 2, 3 और ये एक हो गई WS की लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ये टोटल 4 लाइन, जी हाँ फ्रेंड्स 1, 2, 3 और एक यहाँ पे हमारी 4, ये टोटल 4 लाइन इसके साथ कनेक्टेड है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे हो गए आपके 4 डाटा की लाइन, जो कि सिग्नल होता है सीपीयू से आता है, वो क्या ऑडियो का सिग्नल है। इसके अलावा 2 चाहिए आपको I2C सप्लाई, तो इसको भी देख लेंगे। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट की 2 लाइनें, जो कि एक SDA और एक SCL होती है, उसको देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं ये हमारी डाटा की लाइन है, यहाँ पे बीच में रजिस्टर का यूज किया जाता है 2.2K का, और एक होती है क्लॉक की, ये देख सकते हैं ये तो हो गए हमारी डाटा की लाइन, अब ये होती है हमारी क्लॉक की सप्लाई टाइप सी I2S SCL यहाँ पे लिखे है। तो यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर मिलेगा 2.2K का, और यहाँ पे भी आपको वही 1.8 का वोल्टेज देखने मिलेगा, ये 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हैं 2.2K के, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक तो हो गई हमारी डाटा की लाइन और एक हो गई क्लॉक की लाइन, तो ये भी हमारे सीपीयू से आती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाली लाइन। तो जितने भी मैं यहाँ पे ये येलो कलर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे हमारे सीपीयू से लाइने आ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ से ये लाइन भी, और इसको भी हम डाल देते हैं, और ये जो है फ्रेंड्स लाइन हमारी 1. ये वाली हमारी वीपीएच लाइन हो गई, जो कि देख सकते हैं यहां से आ रही है यहाँ पे। इतनी सारी इनपुट सप्लाई अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 1 यहाँ पे आ गई, और यहाँ की जो सप्लाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सारी जितने भी गोले आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं,
और बीच में इसमें कुछ सीरीज में कंपोनेंट मिल सकते हैं या फिर पैरेलल में कुछ डायोड मिल सकते हैं, सीरीज में जो मिलेंगे आपको रेजिस्टर मिल सकते हैं। ज्यादातर अगर आप देखेंगे इसमें तो कोई कंपोनेंट का यूज ना करके टेस्ट पॉइंट दे दिया जाता है, इस तरह से टेस्ट पॉइंट दे दिया जाता है चेक करने के लिए A50 वगैरह में अगर आप देखेंगे। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स इनपुट सप्लाई, तब जाकर के इतना सब कुछ इसको इनपुट मिलने के बाद तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो आउटपुट यहाँ से निकल रहे हैं जो कि देख सकते हैं। ये हो गया स्पीकर नेगेटिव, यहाँ पे बीच में आपको एक कॉइल मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पैरेलल में एक कैपेसिटर, और ये लाइन हमारी कनेक्टर पे चली जाती है। ये एक आउट हो गया, ये एक पैरेलल में एक कैपेसिटर होता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरीज में एक कॉइल लगा है। उसके बाद ये पॉजिटिव की सप्लाई और ये होती है नेगेटिव की सप्लाई, और ये दोनों मिल करके नीचे स्पीकर के टिप्स पे जाती है जहां पे आपका इस तरह से यहाँ पे एक टिप्स बना होता है जहां पे हम यहाँ पे इस तरह से हमारा रिंगर लगा लेते हैं, और ये कनेक्टर के बाद में ये सप्लाई नीचे जाती है। एक को पॉजिटिव कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है, जब आप गाना प्ले करते हो तो वोल्टेज भी आपको देखने मिलेगा 1.8 वोल्ट से लेके 3.6 वोल्ट के आसपास, और साथ में अगर आप चेक करोगे DSO से तो यहाँ पे आपको जब गाना प्ले करोगे तो ऑडियो का डाटा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोनों लाइनों में। जब तक आप प्ले करोगे तो ये डाटा आएगा, जैसे आप गाना रोक देंगे तो ये डाटा चला जाएगा आपका। तो दोस्तों ये जो है स्मार्ट PA जो कि मैं फोन फिक्स हैदराबाद की तरफ से आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो डायग्राम है Vivo V15 Pro का है, Vivo V15 Pro हैंडसेट है, तो जिसमें अगर आप देखोगे तो ये स्मार्ट PA लग के है, और ये जो IC है हमारी, ये हमारा CPU होता है फ्रेंड्स इसके अंदर। तो ये सब लाइनों का क्या GR आना चाहिए, कब कितना वोल्टेज आता है, लाइनें कैसे काम करती है, ये तो हो गया फ्रेंड्स एक IC। क्या ये एक ही IC आपको सब में मिलेगा? जी नहीं फ्रेंड्स, हर मोबाइल में आपको अलग अलग टाइप का IC मिलेगा। ऐसा बहुत कुछ है जो हम आपको क्लास में बताते हैं, जो हमारा रिसर्च किया हुआ डाटा होता है स्टूडेंट्स को देते हैं सारी चीज कि कौन से मोबाइल में क्या नया सर्किट आ रहा है, क्या नई IC आ रही है। दोस्तों अगर आप एक ही मोबाइल को पकड़ के बैठेंगे, उस पे ही काम करेंगे और समझेंगे आप मुझे सब कुछ आता है, तो 5G सेटों में लेटेस्ट हैंडसेट्स में आपको नए नए IC मिल रही है, नया नया डाटा मिल रहा है, नया नया उसका सर्किट आ रहा है, तो ये भी आपको समझना होगा। जो कि आपको फोन फिक्स हैदराबाद आपको लाइव ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे 20 दिन की। नेक्स्ट बैच हमारा 27 दिसंबर से है, जिसमें आप आना चाहे तो आ सकते हैं फ्रेंड्स, जहां पे आपको 10 घंटे की क्लास होती है, सुबह 10:30 बजे से रात में 10 बजे तक 8 बजे तक हमारी क्लास होती है। 10 से 12 घंटे हम मेहनत कराते हैं बच्चों को, तब जाकर के वो अच्छे लेवल पे काम कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह का हार्डवेयर सोल्यूशन लेके काम करेंगे तो इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बॉल यहाँ पे खाली है, तो इनमें कौन से ग्राउंड है, कौन से जो सीरीज में कैपेसिटर्स लगते होते हैं, फ्लाइंग कैप होते हैं, या पैरेलल में आपको ड्रेन कंपोनेंट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको क्लास में सिखाता हूं। दोस्तों ये फ्री नॉलेज मैं देता हूं फोन फिक्स हैदराबाद की पूरी टीम की तरफ से यूट्यूब पर, ताकि जो हमारे टेक्नीशियन भाई दुकान में बैठ के काम कर रहे हैं उनको भी कुछ कुछ सीखने मिल जाए। दोस्तों बहुत सारा डाटा हमारा यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं जिससे हमारे टेक्नीशियन भाइयों को हेल्प होती है, और हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जो आ सकते हैं आकर सीखे, अगर नहीं भी आ सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसे काफी सारे नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाते रहता हूं यहाँ पे। और आप कमेंट करेंगे किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे और भी वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाने का। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे कोर्स के दौरान। 27 दिसंबर से हमारा बैच है जहां पे आपको हम मास्टर्स बनाएंगे, एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोफेशनल वर्ड मैं यूज करता हूं क्योंकि हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं सारे के सारे हम प्रोफेशनल स्टूडेंट को काम करने के लिए देते हैं, और उनको जो लेवल का हम लोग यहाँ पे काम सिखाते हैं वो आप काम सीख के जाने के बाद आपके जैसा टेक्नीशियन आपके मार्केट में नहीं रहेगा फ्रेंड्स। फोन फिक्स हैदराबाद का ये वादा है, आपको इस लेवल पे काम सिखा देंगे कि जब आप हमारे नॉलेज के साथ हमारे डाटा के साथ काम करेंगे आपके मार्केट में आपके जैसा काम करने वाला कोई नहीं रहेगा, अगर आप हमको फॉलो करेंगे हमारी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। काफी सारे बच्चे जाकर के इंस्टीट्यूट लगा चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में ले ले, उड़ीसा में ले ले, या MP में ले ले, या फिर आपका राजस्थान में ले ले, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जाकर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बच्चों को काम सिखा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे लेवल पे सीखना है आज ही जुड़ जाइए फोन फिक्स की टीम के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने आप को अपडेट करिए,
बिल्कुल पास में कौन सा इंस्टीट्यूट है वो मत देखिए। बड़ा इंस्टीट्यूट कहाँ है, 60-60, 70-70 बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स आपको। जी हाँ, हमारे पास ओनली 20 स्टूडेंट्स को लेते हैं, 4 से 5 टीचर होते हैं और अच्छी तरह से आपको तैयार करते हैं, 10 घंटा आपके पीछे रहते हैं, तब जाके आपके अंदर एक चेंजेस आता है। 20 दिन के बाद में आप जब आते हैं तो पत्थर होते हैं, 20 दिन के बाद जब निकलेंगे तो हम उससे आपको हीरे के जैसा तराश के भेजेंगे। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हैं, मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।